पुलिस ने नकली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी। मौके पर नकली सीमेंट के 500 बोरे सहित दो आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में आज बिलासपुर पुलिस ने एक घर में चल रही नकली सीमेंट बनने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके पर 500 कट्टे से ज्यादा नकली सीमेंट बरामद किया है। साथ ही सीमेंट बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई है। कोतवाली बिलासपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नवाबगंज में पहले चकफेरी गांव में नकली सीमेंट की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने टीम बनाकर छापामार कार्यवाही की। कुछ लोग पुलिस को आता देख मौके से फरार हो गए। पुलिस ने भागे हुए दो अभिव्यक्तों को गिरफ्तार। बिलासपुर में जो है नकली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी गई है पूरी। क्या क्या मौके से बरामद हुआ है, कितने लोग हिरासत में हैं? थाना बिलासपुर क्षेत्र में एक गांव में एक गोदाम लेकर के वहाँ विभिन्न कंपनियों की जो रिजेक्टेड सीमेंट है उसको ले आ करके और अल्ट्राटेक सीमेंट के रैपर में बैगिंग की जा रही थी। थाना पुलिस बिलासपुर को सूचना मिली जिस पर उन्होंने रेड किया। वहाँ से 500 से ज़्यादा प्लेन पैकेट्स मिले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के नए बैग्स, और कुछ बैग्स में सीमेंट भरी हुई है, और तमाम कंपनियों की जो पुरानी सीमेंट खराब हो गई है वो सीमेंट लगभग 500 के आसपास पैकेट बताए जा रहे हैं कि वो भी मिली है, जिसको वहाँ पीस करके और इसमें पैकिंग की जा रही थी। मौके से दो आदमी पकड़े गए, एक दो लोग फरार होने में भी सफल हुए हैं। पुलिस मामले में फर्द वगैरह बना रही है, अभियोग पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्यवाही की। इस जगह पहले भी जो है बरामद हुई थी एक फैक्ट्री डिपडिपा में। हाँ देखिए, इस तरह का धंधा करने वाले लोग चोरी छिपे अपना प्रयास करते हैं। एक जगह का उनका नेटवर्क तोड़ा गया और दूसरी जगह बना रहे थे, अब दूसरी जगह भी तोड़ लिया गया, तो हो सकता है थाना बदल दें, जिला बदल दें, इलाका छोड़ दें। तो इस तरह से उसमें समय समय पर कार्यवाही होती रहती है कि सोसाइटी में ये नकली चीज़ें न पहुँचें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी SHO बिलासपुर को, जिस पर उन्होंने रेड करके ये कार्यवाही अभी वर्तमान में प्रचलित है।